आज आपको बताएंगे दोस्तों कि सिरकंजा, लकड़ी का सिरकंजा किस तरह से बनाया जाता है। ध्यान से रखिए दोस्तों, आप सबसे पहले ये लकड़ी ले लें 11 इंची लंबा, इस तरह का 11 इंची लंबा ले लें लकड़ी, 2 इंची चौड़ा ले लें, 1.5 इंची मोटा ले लें, इस तरह का रंदा लगा के दो लकड़ी इस तरह का साइज कर लें। इसके बाद आप फिर दूसरा लकड़ी ले लें 15 इंची लंबा, ये भी 2 इंची चौड़ा 1.5 इंची मोटा, इस तरह का चार लकड़ी ले लें, दो छोटा दो बड़ा, देखते हैं। उसके इसको करना क्या, बीच सेंटर यहाँ पे दाग लगा देना है, उसके बीच में 1 इंची का गुटका जो रहेगा, हाफ हाफ इंची दोनों साइड दाग लगा दें। उसके बाद बटाम लगा दें दोनों साइड, इस तरह बटाम लगा के पहले इसको रंदा कोना को थोड़ा सा रंदा लगा दें, इस तरह से दोनों में रंदा लगा देना है, इस तरह से देख सकते हैं रंदा लगा, इसका कोना जो है बटाली से इसको गोल कर दें, कटिंग कर दें, दोनों को इसी तरह से कर देना है दोस्तों, देख सकते हैं ये हो चुका है। उसके बाद ये जो है एक ठो अंदर इस तरह का 5 सूता का लकड़ी ले लें 2 इंची चौड़ा, इस तरह का 2 इंची चौड़ा है, इसका 20 सेंटर में एक इंची उधर 1 इंची इधर 20 सेंटर से बटाम लगा के इसको करना है क्या, कटिंग करके इसको आरी से कटिंग कर देना है, दाग जो लगा हुआ है 5 सूता उतना ही कटिंग करना है, कटिंग करके इसको कटिंग करके निकाल दें चौरसी से। उसके बाद ये देख लें थोड़ा सा लूज ही रहना चाहिए इस तरह से, उसके बड़ा लकड़ी को भी कोना गोल कर दें, देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद ये इस तरह से सेट लगेगा, तो एक तरफ पहले बटाम लगा के इसको इस तरह से कांटी को 2 इंची माथा थोड़ा सा इधर के ठोक देना है माथा को इस तरह से, उसका ड्रिल मशीन से 4 छेदा कर देना है इस तरह से, ड्रिल मशीन से 4 छेदा कर देना है दोस्तों। उसके बाद फेविकल लगा के कांटी इस तरह से 4 कांटी लगा देना है उसी तरह से, एक दो दो एक एक इंची गुटका दोनों साइड लगा के थोड़ा सा लूज ही रहना चाहिए। ओके, इसमें भी उसी तरह से ड्रिल मशीन से 4 छेदा करके, इसमें भी फेविकल लगा के इसमें भी उसी तरह से कांटी लगा दें, 4 कांटी हो चुका है। उसके बाद इधर जो है इस तरह से इसमें भी 3 कांटी लगाएं जो कि साइड में लगाएं, कहे कि 1/2 इंची इधर कटिंग हो किया हुआ है तो ये देख लें वही हिसाब से लगाएं। इसमें दाग लगाया हुआ है फेविकल लगा के, ये दाग का सेंटर में रखें इस तरह से रख के, उसी तरह से लकड़ी लगा के इस तरह से भी इसी में दूसरे में दूसरा वाला में भी उसी तरह से कांटी लगा देना है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह से कांटी लगा के। उसके बाद ये एक लकड़ी 3 इंची का, एक लकड़ी 2 इंची का इस तरह से लेके दाग लगा दें, इस तरह से दाग लगा देना है। उसके बाद इसमें ये एक केमिकल है जो 15 मिनट में लकड़ी सट जाता है, इस तरह से एक में लसा लगा, एक में पानी लगा, इस तरह से लगा के पानी से ही सटता है दोस्तों, पानी नहीं लगाएगा इतना सटेगा, इस तरह से लगा के उस साइड भी उसी तरह से लगा के सिरकंजा में इसको कस के बराबर करके टाइट कर दें, 15 मिनट छोड़ दें। उसके बाद देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है। उसके बाद इसको फ्रेश कर दें, चौरसी लेके इसको फ्रेश कर दें चारों साइड, फ्रेश करके इसमें इस टाइप का दो बना लें, ग्राइंडर मार दें इसमें इस तरह से दो बना लें, देख सकते हैं इस तरह का दो बन चुका है, जो आगे एक आगे लगेगा एक पीछे लगेगा। तो इसमें ये 11 इंची का नट है 4 सूता मोटा, तो ये जो 1.5 इंची जो निकला हुआ है, 1 इंची मोटा 1.5 इंची चौड़ा जो है, उसका 20 सेंटर में दाग लगा दें आप, 20 सेंटर में दाग लगा के दोनों साइड उसी तरह से दाग लगा देना है आपको, देख सकते हैं दाग लगा के ये 4 सूता मोटा का फल्ली ले लें इस तरह से, फल्ली लेके इसको करना है क्या, छेदा कर देना है, आर पार छेदा कर देना है दोनों साइड से, घुरा के छेदा करें इस तरह से, पूरा सेंटर में छेदा करना है। तो ये देख सकते हैं ये सेंटर में छेदा हो चुका है, इस तरह से चेक कर देना है जो मेरा ठीक है, उसी तरह से दूसरे वाला में भी उस तरह से सेट छेदा करके, उसके करना क्या, एक लोहा का पत्ती ले लें, लोहा का पत्ती लेके कोना कोनी में छेदा कर लें इस तरह से, छेदा करके उसको करना क्या, मोटा फली लेके इस
छेदा को थोड़ा बढ़ा दें, जो कि स्क्रूप का माथा उसमें बैठ जाना चाहिए इस तरह से। उसे कांटी से दाग लगा देना है दोनों कोना पे, दाग लगा के हाफ इंच का स्क्रूप इसमें कस दें, जो ये सिरकंजा जो बनेगा, जब कोई चीज़ भी कसेगा तो दिक्कत नहीं होगा, पूरा टाइट होगा सही तरीके से इस तरह का। उसके बाद इसको कोना कटिंग कर देना है इस तरह से, एक तरफ कोना कटिंग करके इसको सही तरीके से चौड़स कर दें, देख सकते हैं इस टाइप का बना लेना है। उसके बाद ये जो है देख लेना इस तरह से लगेगा दोस्तों। तो इसको करना क्या है, एक ये ग्राइंडर कैप ले लेना है, इसको करना ये उखाड़ देना है इस तरह से, उखाड़ देना है। उसके बाद इसको करना क्या है, ड्रिल मशीन लेके इसमें छेदा कर देना है, जो यह कैप जो ख़राब हो जाता है उससे आपका इसमें जुगाड़ भी बन जाएगा आपका सिरकंजा का। इस तरह से एक इंच इसको कटिंग कर दें, ये 5 इंच का रहता है तो 1 इंच कटिंग करके इसको 4 इंच बना लें। तो नट को एक तरफ से इस तरह से फंसा देना है, फंसा के एक नट और आगे के साइड में लगा के इसको टाइट कर देना, थोड़ा दूरी बना लेना है 1.5 इंच, जो कि आपको कसने में भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से दूरी बना लें, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देना है, इसको एक सूता डिप कर देना है ग्राइंडर मशीन चारों साइड से, जो एक वाशर लगेगा जो इस तरह से एक इस तरह से वाशर लगेगा, वाशर को कटिंग कर देना है गोल करके, इस तरह से गोल करके कटिंग कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह से कटिंग हो चुका है, इस तरह से गोल करके इसमें वाशर जो है आधा इसमें इस तरह से फट जाएगा। जो लकड़ी में भी हम लोहा लगाए था पत्थर, जो उसको भी इस तरह से कटिंग कर दें छेदा करके इस तरह से। यहाँ पे एक स्क्रू जिप्सन स्क्रू 1.25 इंची का इसमें इस तरह से कस दें, देख सकते हैं इस तरह से कस के ये इस तरह से घूरेगा। उसके बाद दोनों साइड जो वाशर का निकला हुआ है दोनों साइड से कटिंग कर दें दोस्तों इस तरह से, उसके चलने में आसानी होगा। देख सकते हैं एक ये जुगाड़ बन चुका है इस तरह से, इसमें इसको भी कटिंग कर देना है। उसके 4 इंची का स्क्रू इसमें डालना है, तो दोनों साइड 4-4 इंची का स्टील स्क्रू फुल गुना डाल दें, जो कि ये एक जो ये रहेगा अड्डा, एक ये फिक्स रहेगा। उस तरह से इसमें फेविकल लगा दें, फेविकल लगा के उसको कस देना है, देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से फेविकल लगा के इसमें इस तरह से बैठाना है उसको, सामने से बराबर रखें। उसके बाद इसमें स्क्रू में ग्रीस लगा दें, जो कि टाइट करने में दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से दोनों स्क्रू ड्राइवर मशीन से इसको टाइट कर दें, दोनों स्क्रू को टाइट कर देना है दोस्तों। टाइट करके उसके बाद दूसरे वाला भी कोना को कटिंग कर देना है, जो कि ये सिरकंजा जो बन रहा है सिरकंजा का दूसरा अड्डा बन रहा है। एक अड्डा तो फिक्स हो गया, ये अड्डा जो रहेगा आपका आगे पीछे होगा, इसको भी उसी तरह से कोना को गोल कर दें। उसके बाद इसमें भी इसमें एक साइड सामने साइड से इसमें नट जाम होगा, इस तरह से नट फंसा के नट का दागी लगा दें इस तरह से, देख सकते हैं दागी लगा के। उसके बाद एक कच्चक लेके नट को पूरा नट को गला दे, कच्चक से खोद के नट को गला देना है दोस्तों इस तरह से, नट को खोद दें। उसके बाद देख सकते हैं ये पूरा खद्दा हो चुका है। उसके बाद ये नट डाल के देख सकते हैं ये पूरा नट ठोक दें, बराबर बराबर होना चाहिए नट। उसके बाद एक वाशर इसमें भी जाम होगा, तो वाशर को एक तरफ से पहले छेदा कर लेंगे हम इस तरह से, दागी लगा देंगे। इसमें भी वाशर दो साइड से कटिंग होगा, जो दो साइड कटिंग होगा ग्राइंडर मशीन से हम इसको वाशर को घस देंगे, पहले छेदा कर देना है इस तरह से, हमको पहले छेदा करना है दोस्तों ड्रिल मशीन से, देख सकते हैं ये छेदा हो चुका है। उसके बाद इसको करना क्या है, दोनों साइड से घस देना है उसके, इसमें फेविकल लगा दें, जो नट जो जाम होगा इसमें जो नट हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद फेविकल लगा दिए नट को जाम करके, एक वाशर देख सकते हैं ये बन चुका है। उसके इसमें भी 1.25 इंच स्क्रू कस देना है दोस्तों, जो ये फिक्स हो गया नट निकलेगा नहीं। इसमें भी उसी तरह से हमको एक लोहा का चंद्रा जो है इसका स्क्वायर में कटिंग करके इसमें भी उसी तरह से कस देना है, सेटिंग कर देना है, देख सकते हैं हो चुका है। तो अब नीचे से एक लकड़ी लगेगा, जो कि ये अड्डा जो मेरा बाहर ना निकलेगा, इस तरह से धागे लगा के इसको गला दें, दो सूता इसको
गला देना है, कटिंग कर देना है दोस्तों इस तरह से। इसको उसी तरह से इसको कटिंग कर देना है दोस्तों सही तरीके से। इस तरह से देख सकते हैं कटिंग हो चुका है। उसके बाद एक बाहर तरफ से छेदा कर दें इसको मशीन से, छेदा करके इसमें भी फेविकोल लगा देना है। देख सकते हैं इसमें भी फेविकोल लगा के इसमें करना क्या दोस्तों, इसमें भी उसको इसमें स्क्रू कस दें, एक इंच का स्क्रू दोनों साइड कस देना है इस तरह से। जो मेरा यह अड्डा बन चुका है, यह अड्डा बाहर नहीं निकलेगा, इस तरह से फंसाएंगे जो टाइट करने के बाद भी यह अड्डा मेरा बाहर नहीं निकलेगा। देख सकते हैं कितना आसान तरीका से ये सिरकंजा बन चुका है। तो इसमें इस तरह से बना के देख सकते हैं, इसमें बना के ये देख सकते हैं कितना ईजी चल रहा है, पूरा एक उंगली से ये आगे पीछे होगा, पूरा फ्री चल रहा है, बनाने का आसान तरीका है दोस्तों। उसके बाद एक लकड़ी कस के इसमें देखिए कितना टाइट भी होता है, बहुत आसानी से देख सकते हैं इस तरह से अड्डा टाइट करके देख सकते हैं। लकड़ी उठाने के बाद भी सिरकंजा हिलता नहीं दोस्तों, इस तरह से बनाने का आसान तरीका दोस्तों इस तरह से।